ट्रेन में छेड़खानी के आरोपों से घिरे नीतीश के विधायक सरफराज आलम का झूठ पकड़ा गया है। सरफराज ने यह कहा था कि जिस दिन की यह घटना है, जब का महिला आरोप उन पर लगा रही है, उस दिन तो वो ट्रेन में गए नहीं, लेकिन सीसीटीवी में कैद तस्वीरों से विधायक साहब के झूठ से पर्दा उठ गया है। जेडीयू विधायक का झूठ पकड़ा गया। जो बातें है कोई निराधार है और इसका कोई आगे पीछे, मैं जबकि उस ट्रेन से सफर ही नहीं किया। दरभंगा के जौकीहट से जेडीयू के विधायक सरफराज आलम का झूठ कैमरे में कैद हो गया है। रेलवे ने कटिहार रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। 17 जनवरी को इस सीसीटीवी में विधायक सरफराज प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इससे थोड़ी देर पहले कटिहार रेलवे स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी वीडियो में भी उनकी कार आती हुई दिख रही है। पहले जेडीयू विधायक दावा कर रहे थे कि वो राजधानी एक्सप्रेस में चढ़े ही नहीं थे। बातें है कोई निराधार है और इसका कोई आगे पीछे, मैं जबकि उस ट्रेन से सफर ही नहीं किया, निराधार है। हमारे छवि पर, हमारे पॉलिटिकल करियर पर ये लगता बहुत हाई लेवल का पॉलिटिक्स है, सियासत है, षड्यंत्र है। घटना 17 जनवरी की है। गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस से जेडीयू विधायक सरफराज आलम कटिहार से दिल्ली आ रहे थे। उसी ट्रेन में दिल्ली का एक दंपति भी सवार था, जिनसे बर्थ को लेकर विधायक सरफराज आलम का झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान ही सरफराज पर छेड़खानी और बदसलूकी का आरोप लगा। सीसीटीवी में जेडीयू विधायक का झूठ पकड़े जाने के बाद विपक्षी दल बीजेपी ने जेडीयू पर कड़ा हमला बोला है। छेड़छाड़ के आरोपी जेडीयू विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग बीजेपी ने की है। इन जैसे लोग अक्सर प्रतिष्ठित राजधानी एक्सप्रेस जैसे ट्रेन में घुसकर महिलाओं और संभ्रांत लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, आज पकड़े गए हैं और इसको अविलंब सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए और जेल में बंद करना चाहिए, तभी फिर कानून की अगली कार्रवाई प्रारंभ होनी चाहिए। वहीं जेडीयू और आरजेडी ने भी माना है कि सरफराज आलम पहली नजर में दोषी हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जांच में बात पाई गई है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जेडीयू पार्टी अपना कार्रवाई करे। उनके खिलाफ ये कहा जा सकता है कि ये मामला बनता दिख रहा है, लेकिन पुलिस को निष्कर्ष पर आने दीजिए। सरफराज आलम आरजेडी के सांसद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। फिलहाल अभी जेडीयू ने ये साफ नहीं किया है कि सरफराज के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी।